न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज को आरक्षण माफिया बताया। सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी की आबादी है, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे और वादे करके उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 25 जून से 8 जुलाई तक 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियां पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ओबीसी आरक्षण को कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, प्रदेश में 52% ओबीसी की आबादी है। ओबीसी वर्ग के हक और अधिकार की लड़ाई का जो दौर चल रहा था, उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके उन पर विश्वास जताकर ओबीसी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। प्रदेश भर में गा गा कर बता रहे हैं कि हम ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन जो परिणाम आया तो ऐसा लगा कि आरक्षण माफिया के अलावा शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं है, जिन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण माफिया का काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने क्या कहा। पंचायतों का चुनाव हो रहा है और इसमें 52% मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है और इस ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई का जो दौर चल रहा था, उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने जो है बड़े बड़े वादे करके, सब्जबाग दिखा करके और उनको विश्वास को लेकर के जो है सबसे बड़ा विश्वासघात ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और गा गा करके वातावरण ही बनाते रहे कि ओबीसी के सबसे बड़े हम हितैषी हैं, लेकिन जो परिणाम आया तो ऐसा लगा कि आरक्षण माफिया के अलावा शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं है, आरक्षण माफिया का काम किया है। आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है कि मध्य प्रदेश में आरक्षण की शुरुआत माननीय अर्जुन सिंह जी ने किया था। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को देने के लिए महाजन आयोग का गठन किया था। महाजन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्ग को माने आरक्षण की शुरुआत किया था और दूसरी सुविधाएं थी, लेकिन उसके बाद जो आरक्षण का मेन मुद्दा था वो 14% आरक्षण लागू हुआ था और उसके बाद ये न्यायालयीन प्रक्रिया ये सब चलती रही। उसके बाद उस आरक्षण को बढ़ाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। जब मध्य प्रदेश में थोड़े समय के लिए कांग्रेस सरकार बनी, उन्होंने 14% से बढ़ा करके 27% आरक्षण देने की बात कही। बाद मामला कोर्ट में गया और उसी दरमियान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके, सब दुनिया जानता, बताने की जरूरत नहीं किस तरह से माने लोगों को खरीद फरोख्त करके विधायकों की और माने सरकार गिराने का काम किया, सरकार गिर गई। उसके बाद आरक्षण का मुद्दा है तो शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिकली कहा था, जनता के बीच में कहा था कि पिछड़े वर्ग के हिमायती सबसे बड़े हम हैं। माननीय कमलनाथ जी ने धोखा दिया है, कांग्रेस का पार्टी पिछड़े वर्ग कहीं तैसी नहीं है और हम ताल ठोंक करके, सीना ठोंक करके कहते हैं कि 52% पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण है, कोई माई का लाल जो है उस आरक्षण को कम नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े शिवराज सिंह चौहान करेगा, ये वादा किया था। और इसके बाद जब कोर्ट में दलील देने का सवाल आया तब वही दलील माने जो है कोर्ट के सामने रखा गया, जिस पर कोर्ट ने, न्यायालय ने विश्वास नहीं किया। न्यायालय ने माना कि ये तथ्य से परे रिपोर्ट है, इसमें कोई दम नहीं है, ये तार्किक नहीं है, इसके आंकड़े अनुमानित हैं, सही आंकड़े नहीं है। वो सारी बातें कह करके जो है 27% आरक्षण को समाप्त करके केवल 14% आरक्षण माने इस प्रदेश में लागू हुआ।